Thank you. येस वेरी गुड इवनिंग अब ऑल ओके अब बॉल परफेक्ट है क्या बताइए अब होना ही चाहिए ना अब दिक्कत नहीं जाती है चलिए ऑल परफेक्ट करे स्टार्टअप सुनिएगा सुनिएगा यस अब देखिए अब देखिएगा यहां पर तो भाई अपना आज जो है लॉ का लेक्चर में फिफ्टीन है परफेक्ट और कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम कहानी बढ़ाते हैं आगे है ना कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से ये लेक्चर वापस से स्टार्ट करना पड़ा है लेकिन हमने कुछ भी पढ़ाया नहीं है चिंता ना करो संतोष कह रहे है, सर एक बात पूछो आप गुस्सा नहीं होते हो क्या पता नहीं है ना आपने ऐसी हरकतें अगर नहीं की तो नहीं गुस्सा होंगे है यस बढ़ाएंगे जुनेद भाई बढ़ाएंगे क्लास का टाइम चिंता ना करो चिंता ना करो तीन तीन घंटे पढ़ाएंगे बस एकदम क्लियर साउंड आ रहा है बहुत बढ़िया सरफरोज़ भाई बहुत बहुत धन्यवाद सरफरोज भाई रोज़ बीस बीस रुपए भेजते हैं है ना आभार व्यक्त चलो सुनो तो यहाँ पर कल आपने कहाँ तक पढ़ लिया था आपने देखो चिल्लर चिल्लर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे याद है क्या आपको है ना याद है क्या आपको बताइए चलो वैलिड वॉयडेबल तो आप बचपन में पढ़ चुके हो आप जब आप बहुत छोटे थे तब आपने पढ़ लिया था वैलिड क्या होता है वॉयडेबल क्या होता है सब कुछ सब कुछ परफेक्ट करेक्ट अना आप देखिए नेक्स्ट रोहित कह रहे है, शायरी शायरी लास्ट में पक्का है ना शायरी जो लास्ट में पक्का सुनाऊंगा चिंता ना करो चलिए देन नेक्स्ट वाला देखिए यहां पर आपको वर्ड void और वॉर्डेबल तो वर्ड void और वॉर्डेबल में हमने डिफरेंस कैसे याद किया था वर्ड void, वॉर्डेबल में आपने डिफरेंस याद किया था एक तो मीनिंग लिख देना वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में पहले तो मीनिंग डेफिनेशन लिख देना और फिर क्या था आपका इनकॉस कॉस पर्री है कि नहीं फिर आपका था इनकॉस पर्री इन्फोर्सिबिलिटी तो है कि नहीं कॉज मतलब कारण क्या था ठीक है देन आपका पर री था तो पर में था आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड री में था आपका राइट ठीक है परफेक्ट थोड़ा सा पढ़ लें है ना बीच में सुना दूंगा बस अभी स्टार्ट अब थोड़ा सा विलंब हो गया ना इसलिए अभी नहीं सुना रहा हूं थोड़ी सी देर होगी ना अपने को इसलिए सुना रहा हूँ बीच में लास्ट में पक्का सुना दूंगा ओके परफेक्ट गोयम कह रहे सर को दो दिन का नुकसान हो गया सुपर चैट नहीं आई कोई बात नहीं गोयम है ना आप हो ना आपके रहते कौन सी चिंता करने की जरूरत है हमको आप ही बताओ है ना पर परी ओके डन देन नेक्स्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ ठीक है और उसमें जो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दी कोलेटरल कॉन्ट्रेक्ट आर ऑल्सो इलीगल है ना कोलेटरल आर ऑल्सो इलीगल देन वॉइड वर्सेज इलीगल मुझे बताओ क्या हर वॉइड एग्रीमेंट क्या हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता है क्या हर वॉइड इलीगल होता है बताओ क्या हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता है बताओ हाँ ना दवाया ना क्या हर वर्ड इलीगल होता है क्या बिल्कुल जरूरी नहीं है बिल्कुल जरूरी नहीं है लेकिन क्या हर इलीगल वर्ड होता है क्या हर इलीगल वर्ड होता है बिल्कुल हाँ है ना हर इलीगल वर्ड होता ही होता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी रहेगी ना अफकोर्स रहेगी परफेक्ट क्लियर चलिए एंड उसमें एक बोला था आपको यह हमेशा होते हैं वर्ड अब इनिश्यो वर्ड डू मीन बाय वर्ड ऑफ इनिश्यो वर्ड डू मीन बायिशो वर्ड अब इनिश्यो का मतलब होता है वर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है ना एकदम बचपन से एकदम स्टार्टिंग से एकदम स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइम ले रहे हैं आपका लेक्चर ग्रेट क्या बात है बताइए बताइए है ना भाई बालक बालिकाएं कम क्यों हैं कम क्यों हैं इतने कम नहीं चलेंगे इतने कम नहीं चलेंगे बालक बालिकाओं है ना अपने दोस्तों मित्रों को बोलो है ना लाइव ही देखना है है ना आपने भाई फॉर्म भरा कि नहीं बताओ गूगल फॉर्म सेंड किया था फिल किया कि नहीं गूगल फॉर्म फिल कर दिया ना तो ही आपको एक्सेस मिलने वाला है तो ही आपको एक्सेस मिलने वाला है इंग्लिश मैराथन हुआ ना अभी चल तो रहा था इंग्लिश का मैराथन है ना बुलाओ क्या सर सबको कोटक भाई बुलाओ सबको सबको बुलाना ही पड़ेगा कैसे चलेगा उसके बना चलिए सुनिएगा फिल कर दिया ना है ना बहुत बढ़िया चलिए है ना फिल करना ही है और आपके दोस्तों को भी बांट देना जिनको एक्सेस चाहिए ना जो ग्रुप में है नहीं कर पाए जिनको ग्रुप में ऐड होना है उनको भी दे देना ओके परफेक्ट चलिए सुनिए नेक्स्ट आपको वॉइड एग्रीमेंट इ एग्रीमेंट इनकम हमने डिफरेंस पढ़ा था वॉइड और इलीगल का हमने डिफरेंस पढ़ा था क्या पढ़ा था कि भाई हम क्या करते हैं जो लेटा हुआ है है ना जो लेटा हुआ है हमारे स्कोप में है कि हम उसको पनिशमेंट देंगे जो लेटा हुआ है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बिटवीन वॉइड एंड इ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बिटवीन वॉइड एंड इलीगल तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो लेटा हुआ है है ना हमारे ऐसे स्कोप में है हमारे ऐसा स्कोप में है कि हम उसको पनिशमेंट देंगे हमारे ऐसे स्कोप में है कि हम उसको पनिशमेंट देंगे हमारा नेचर ही ऐसा है हमारा नेचर ही ऐसा है ये कल आपने पढ़ा था तो कोलेटरल एग्रीमेंट है ना कोलेटरल एग्रीमेंट एक आपने पढ़ा था फिर क्या है ना हमारे स्कोप में रहता था तो स्कोप किसका वाइड होता है किसका कम होता है देन उसके अलावा उसके अलावा हम पनिशमेंट के बारे में पढ़ रहे थे किसमें पनिशमेंट देते हैं किसमें नहीं और नेचर तो ये सब आपने कल पढ़ा था अन सब सब रामायण देखने का अभी रामायण का टाइम है क्या हत चलिए सुनिए दो दिन से अकाउंट्स के बेसिक लेक्चर का कोई भी लाइव क्लास लिंक नहीं आ रहा है हाँ सर बाहर गए आपको बताया होगा ना आपको सर ने बताया होगा कि सर बाहर गए चलिए सुनिएगा नेक्स्ट है आपका अन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट अन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या विच इज नॉट इन्फोर्सिबल एंड देर इज सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट अन इन्फोर्सिबल मतलब क्या होता है देर इज सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट बट वंस दैट डिफेक्ट इज रिमूव्ड एक बार अगर आपने डिफेक्ट को रिमूव कर दिया देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है सही बात है ना कल मैंने आपको एक्जाम्पल दिया था में आपको एग्जाम्पल दिया था ध्यान है आपको ध्यान है आपको कल ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रजत भाई थोड़ी सी रजत भाई आपको जो है थोड़ी सी स्पेलिंग पर फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा एकदम मेन मेन वर्ड है रजत सोनी जी चलिए साइन वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास चिट्टी वगैरह सब थी लेकिन मेरी साइन मिसिंग थी अगर मेरी साइन मिसिंग थी तो हम उसको बोलेंगे अन मतलब देर इज अ टेक्निकल डिफेक्ट लेकिन अगर वो टेक्निकल डिफेक्ट एक बार सुधार दिया जाए देन योर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड परफेक्ट है ना एकदम चलिए देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका नेक्स्ट यह आपका ये आपका हो गया अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अब जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड इज लिमिटेशन एक्ट तो यहां पर लिखा था एबसेंस इन राइटिंग हो सकता है कि कुछ चीज लिखित में ना हो या फिर बार्ड बाय लिमिटेशन बार्ड मतलब क्या होता है बार्ड का मतलब होता है बार करने का मतलब होता है रोकना बार का मतलब क्या होता है है ना बार का मतलब वो बार नहीं जो आप समझ रहे हो या जो आप इच्छाएं रखते हो बार मतलब होता है रोकना तो बार्ड बाय लिमिटेशन मतलब हमारे इंडिया में एक लिमिटेशन एक्ट है जिसमें टाइम लिमिट दिया हुआ है कि भाई अगर, अगर आप सोए हो है ना तो इतना मत सो तीन साल के अंदर अंदर तो केस कर ही दो कुंभकर्ण भी सिर्फ छः महीने सोता था आपको तीन साल समझ भी नहीं आ रहा है केस करना है तो तीन साल के अंदर अंदर करो ओके परफेक्ट क्लियर एक्सेट्रा वन और बोध दी पार्टीज कैन नॉट सी अपोनेट इट इज डिस्क्राइब्ड एज अन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग था इस वजह से आप केस नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड एज अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रेक्ट परफेक्ट और इसमें आपने वो एक लाइन ऐड किया क्या यहां पर आपने एक लाइन ऐड किया क्या वंस द टेक्निकल डिफेक्ट इज रिमूव्ड वंस द टेक्निकल डिफेक्ट इज रिमूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड बेड क्वीन पूछ रही है सर बताओ ना कौन सा लेक्चर है बैड क्वीन एक बार नाम नीचे पढ़ ली थे समझ में आ जाता लेकिन सी ए फाउंडेशन का लॉक है का है ना सी ए फाउंडेशन का लॉक है ओके परफेक्ट क्लियर है क्या है ना कनिका कह रही है सर आपके आईज पे स्वेलिंग आई है आर यू ओके नहीं नशे करके बैठा हूँ मैं पता नहीं आपको हाँ मैं नशे करके बैठा हूँ दिख रहा होगा आपको मेरी आंखों से यस नबीला जी यस चिंता ना करें नबीला जी चिंता ना करें फ्री है पुराने वाले निपटा लो फिर लाइव आ जाइए। जाइये नशे करने के बाद पानी पीना चाहिए है ना उतरता है सैनिटाइजर नहीं आज शू पॉलिश का किया है है ना शू पॉलिश का किया है कुछ दिन के बाद वाइटनर का करूंगा वाइटनर का जब करूंगा आपको बताऊंगा चिंता ना करो चलिए सुनिए हा ना सुनिए बॉटल में क्या था पानी था बॉटल में पानी था ना पानी से उतरती है चलिए सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से तो यहां पर क्या बोला था ना एक लाइन मैंने आपको ऐड करवाई थी दैट वंस टेक्निकल डिफेक्ट इज रिमूव द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड परफेक्ट अमित कह रहे पेट्रोल का करके देखो चलेगा वो भी करेंगे नहीं नहीं प्रथमेश नहीं आएगा चिंता ना करो चलो सुनो चलो सुनो तो ये आपने पढ़ा था क्या एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी ए ने बी से गुड्स खरीदे थे दो हजार पंद्रह में बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल टू थाउजेंड नाइनटीन लेकिन दो हजार उन्नीस तक कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ बी कैन नॉट सी यू सी का मतलब क्या होता है सी यू का मतलब वो नहीं सी यू का मतलब वो नहीं सी यू का मतलब होता है केस करना है ना सी यू का मतलब क्या होता है केस करना परफेक्ट क्लियर रहे कि नहीं का मतलब क्या होता है केस करना ओके परफेक्ट सो बी कैन नॉट सू ए फॉर द पेमेंट इन 2019 क्योंकि 2015 से 2019 चार पांच साल तो हो गया ना सोलह सत्रह अठारह चार साल निकल गए तो आप केस नहीं कर सकते इट हैज क्रॉस इयर्स एंड बाय लिमिटेशन एक्ट है ना एंड दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट करेक्ट आगे अ गुड डेट अ गुड डेट बिकम्स बिकमफोर्सिबल आफ्टर द पीरियड ऑफ थ्री इस एड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट तो रिपीट करके बताया है. कि एक गुड डेट गुड डेट का मतलब अच्छा डेट जो आप ले सकते थे जो आप ले सकते थे गुड डेट मतलब जो पैसा आप ले सकते थे और वो आप नहीं ले पाएंगे अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ने किसी कानून ने मना करके रखा है परफेक्ट क्लियर है चले आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखो ये आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी तो वैलिडिटी के बेसिस पर आपको ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स आए देखिए कौन कौन से वैलिड वॉइड वॉइडेबल गल एंड अन इनफोर्सियबल बोलो याद होगा क्या याद होगा क्या बताइए वैलिड वॉइड वेबल इलीगल एंड अन इनफोर्सिएबल तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं आप ऐसे भी कर लोगे है ना ऐसे भी कर लोगे और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी आ जाता है एक्सप्लेन दैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी लेक्चर टाइम बस इंक्रीज कर देंगे कल से ही कर देंगे आप बोलो तो ठीक तो, है चिंता ना करो तो चिंता ना करो हो गया डन परफेक्ट चलिए और ये बहुत ईजी थे अपन ने इसको काफी वक्त दिया है है ना क्योंकि अपन ने इसको काफी वक्त दिया है एक 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 वर्ड अपन ने समझा है अब मेरा ऐसा मानना है कि आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो एकदम फटाफट फटाफट होते हैं और आपका आगे का जो पोर्शन रहेगा ना वो एकदम फटाफट होगा क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लीगल वर्ड्स आपको पता नहीं रहते हैं लीगल वर्ड्स पता हो गए तो फिर आप आगे खुद भी समझने लग जाओगे है ना डेफिनेशन कट टू कट लिखो तो बहुत बढ़िया बात है है ना कट टू कट मार्क्स मिलेंगे मतलब पूरे मिलेंगे चिंता ना करो ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे अब देखते हैं आगे नेक्स्ट देखिएगा अब हम देख रहे हैं बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन का मतलब होता है किस तरीके से बनाए गए हैं तो मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से बता दूं एक्सप्रेस मतलब क्या एक्सप्रेस मतलब क्या बोल के ठीक है <coughs> फातिमा कह रही है इट मस्ट बी रैपिड नहीं मैं अभी रिविजन नहीं करवा रहा हूं ना फातिमा मैडम हा ना रिविजन होगा ढाई तीन महीने बाद तब होगा रैपिड तब आप बोलोगे कि सर इतना भी फास्ट नहीं इतना भी फास्ट नहीं चांद पे नहीं जाना अपने को ओके चलिए तो सुनिएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है बोल के लिख के होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इशारों इशारों में वो सुना होगा ना आपने वो गाना सुना है कि नहीं आपने इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से तो भाई देखो ये होता है आपका इशारो इशारों में कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप क्या कहते हैं ये होता है आपका है ना एम्प्लाइड ये आपका होता है एम्प्लाइड ठीक है कौसी मतलब क्या होता है कौसी मतलब आपकी मौसी नहीं है ना कौसी मतलब क्या होता है कौसी मतलब होता है कौसी मतलब होता है आपके उसके जैसा कौसी का मतलब क्या होता है कौसी का मतलब होता है उसके जैसा वो तो नहीं लेकिन उसके जैसा तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से है ना सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है दैट इज कॉल्ड एस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपने वर्ड सुना होगा नहीं सुना होगा तो ध्यान रखना क्वी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ठीक है परफेक्ट क्लियर है बताऊंगा एक एक करके आऊंगा है ना इशारों इशारों में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है आपसे बेहतर कौन जानता है इस यही तो उम्र रहती है इशारों इशारों में आपके कॉन्ट्रैक्ट करने की उसके बाद नहीं होते उसके बाद तो बोलो तो भी नहीं होता है है ना कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जैसा और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट ये भी आप करती रहते हो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट ये भी आप करती रहते हो एमेजॉन से कुछ मंगवाना यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन पे करना है ना फीस वगैरह देना तो ये सब क्या है ये सब क्या है दीज आर कॉल्ड एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रेक्ट तो ये ऊपर ऊपर से समझ में आ गया है ना ऊपर ऊपर समझ में आ गया अब हम एक एक करके समझते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रेक्ट विच आर एक्सप्रेस इधर इन वर्ड्स और दे आर रिटर्न एक्सप्रेस मतलब क्या होता है एक्सप्रेस मतलब जताना जो आप नहीं कर पाते हो एक्सप्रेस मतलब क्या होता है जताना जो आप नहीं कर पाते हो सही बात है ना ऐसे फालतू तो चीजें जता लेते हो है ना फालतू तो चीजें जता लेते हो लेकिन है ना लेकिन क्या लेकिन क्या लेकिन क्या जब मेन बात होती है तब आप बता नहीं पाते हैं सुनेगा तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में कवि आपको क्या कहना चाहता है कवि कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग तो या तो आपने ओरली बोल दिया या तो आपने ओरली बोल दिया तो भी एक्सप्रेस है आपने लिख के बोला तो भी एक्सप्रेस है फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो है ना मुझे बताइए कि अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो सब आप टिंडे लेने गए क्या लेने गए टिंडे टेंडर नहीं टिंडे अगर आप टिंडे लेने गए तो आप बोलोगे भैया टिंडे कितने दिए तो बोलेगा कि मैडम बीस रुपए आप बोलोगे नहीं भैया बीस रुपये नहीं कल तो बारह में लेके गई थी नहीं मैडम महंगाई बढ़ गई है पंद्रह ना आपकी ना हमारी पंद्रह है ना चलिए तो पंद्रह में ले लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं ऑफर हुआ एक्सेप्टेंस हुआ दोनों के लिए कंसीडरेशन हुआ आपको टिंडे मिले उनको पैसे मिले सब लीगल था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी अब छोटे मोटे मुद्दों में अपन ऑफकोर्स केस नहीं करते लेकिन कर तो सकते हो अगर उसको खा के फूड पॉइजनिंग हो गई है ना खराब निकले तो आप जाके वापस दोगे कि नहीं बोले कैसे टिंडे दिए है ना वैसी पसंद नहीं है ऊपर से खराब दिए कैसे चलेगा कैसे चलेगा सही बात है कि नहीं तो यहाँ पर ये हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो ये आपने बोल के ओरली कर लिया ये आपने कैसे कर लिया या आपने बोल के ओरली कर लिया और रिटर्न में क्या होगा रिटर्न में क्या होगा कि कल जाके सपोज आप एक कार खरीद रहे हो आपने कल जाके कार खरीद रहे हो कौन सी खरीद रहे हो मारुति 800 सपोज आपने का... एक कार खरीदी मारुति 800 और उसके पीछे लिखवा दिया आपने कार खरीदी क्या मारुति 800 आपने खरीदी ठीक है आपने मारुति 800 खरीदी और उसके पीछे लिखवा दिया क्या लिखवाया अब मैं ऐसे लिख नहीं पाऊंगा ना इतनी भी मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है उसके पीछे लिखा था आपने एकदम स्वैग में लिखवाया था स्वैग में क्या लिखवाया था सुनिएगा वंस वी हैव रूल्ड दी रोड्स मतलब एक वक्त था एक वक्त था जब हम इस पर राज क्या करते थे ऐसे मारुति आपने साइड में खड़ी कर दिए है ना स्वैग में एकदम तो मुझे बताओ है ना मुझे बताओ कि अगर आप मारुति कार एट हंड्रेड लेने गए हो अगर आप मारुति 800 लेने गए हो तो आप मुझे बताओ होता है क्या मारुति अगर कोई कार खरीदते हो तो ओरल ही होता है क्या क्या हो गया बैट क्वीन बैट क्वीन नाउ गुड यस बाय बाय अरे चलिए मुझे बताइए कार से बड़ा तो ये लिखा हुआ है ये आपको देखेगा नहीं ना तो ये क्या है मुझे बताओ ओरल ले लेते हो क्या कार वाले के पास गए शोरूम में एक कार देना भैया एक मारुति हंड्रेड निकालना है ना लाल वाली निकालना कृपया करके और ये लो पांच लाख रुपए ऐसे थोड़ी होता है तो आप लिखित में करते हो रिटर्न में होता है इन्वाइस वगैरह आपको दिया जाता है है ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवाते हैं आप अलग अलग टैक्सेस पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इज रिटर्न डॉक्यूमेंट ये आपको पता है ना आपको पता है ऑलरेडी सो एक्सप्रेस मतलब कैसे भी चलेगा लिखित में रहा तो भी चलेगा बोल के दिया तो भी चलेगा हाना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है परफेक्ट हाँ या ना हाँ या ना क्लियर है कि नहीं समझ आया हाँ ना सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इट कैन बी ओरल और इन रिटर्न परफेक्ट नेक्स्ट देखेगा एकदम ईजी है कॉमन सेंस वाली बात है अब कॉमन सेंस वाली बात है इसलिए एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां पर टफ होगा ना वहां पर मैं ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा है ना क्लियर है ना चलिए अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताइए नेक्स्ट सेक्शन नाइन ऑफ द एक्ट अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेट टू बी एक्सप्रेस तो यहां पर सेक्शन नंबर नाइन ये सेक्शन नंबर याद रखना है क्या नहीं याद रखा तो भी चलेगा ये वाला सेक्शन नंबर याद नहीं रखा तो भी चलेगा सेक्शन नंबर नाइन क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी तरीके से है ना यहां पर कम्युनिकेट किया है है ना इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी इज मेड इन वर्ड्स अगर आपने शब्दों का अगर आपने लफ्जों का अगर आपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया है देन प्रोमिस सेट टू बी एक्सप्रेस इफ वर्ड्स हैव बीन है आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना फोन बदलना पड़ेगा सूर्यवंशी जी आपको फोन बदलना पड़ेगा है ना अब तो इसमें आवाज की दिक्कत नहीं जाती है हंड्रेड परसेंट चलिए सुनी था सुनेगा ध्यान से है ना बैड क्वीन कृपया करके स्पैम ना करो अभी नहीं अभी नहीं एकदम लास्ट में है ना लास्ट में चलिए तो सेक्शन नाइन ऑफ दी एक्ट प्रोवाइड प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स या तो प्रपोजल या तो एक्सेप्टेंस आपका वर्ड्स में है तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे करेक्ट चले आगे नेक्स्ट अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर रुपीज टू लैक्स बी ने फोन पे कहा है बी ने जो है फोन पे कहा है कि मैं अपना घर दो लाख में बेचने के लिए तैयार हूं तो इसमें इशारे थोड़ी हैं यहां पर इशारे थोड़ी हैं इसमें इशारे थोड़ी हैं करेक्ट ये एक्सप्रेस हो रहा है आंशल इज आस्किंग सर आर यू एफिलेटेड विद बेस्ट कॉमर्स अकेडमी दिस इज बेस्ट कॉमर्स अकेडमी ऑफकोर्स है ना चलिए क्लियर तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आप कुछ भी मन से लिख सकते हो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी मन में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट अब देखिएगा नेक्स्ट एम्प्लॉड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड मतलब वही है ना इशारों इशारों में दिल देने वाले बताए ये हुनर तूने सीखा कहाँ से तो एम्प्लॉड कॉन्ट्रैक्ट में आपका एग्जाम्पल देता हूँ पहले है ना एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ फिर अपन इसको पढ़ लेंगे सुनेगा सुनेगा प्लीज बहुत ध्यान से अब यहाँ पर है ना यहाँ पर यहाँ पर समझिए कौन है यहां पर है समझिए अंजलि दो दो बार नाम आ गया अंजलि सिंह अंजलि जहांगीर तो अंजलि का एग्जाम्पल लेते हैं देखिए अंजलि जो है अंजलि को अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक ऑटो तो रिक्शा रुका हुआ मिला था है ना अंजलि जो है वो घर से निकली है ना समझो कि ये इसका घर है घर की गली है और घर की गली के बाहर ये मेन रोड है घर की गली के बाहर क्या है घर की गली के बाहर मेन रोड है और मेन रोड में ना शेयरिंग रिक्शा होते हैं गली के बाहर ना इनका ना शेयरिंग ऑटो रिक्शा होते हैं तो इसकी जो ये मेन रोड है ना यहां से लेकर दो किलोमीटर दूर इसका विद्यालय था मतलब इसका क्या था स्कूल था ना इसका विद्यालय था सुना होगा आपने कभी बच्चों में विद्यालय वर्ड मुझे भी आज ही याद आया आपको पढ़ाते पढ़ाते चलिए सुनिए तो यहाँ पर क्या था यहाँ पर एक स्कूल था यहाँ पर क्या था यहाँ पर एक स्कूल था ठीक है तो अंजलि क्या अंजलि ने क्या किया उसको पता है कि शेयरिंग ऑटो है तो अंजलि वहाँ पर ऑटो में जाकर डायरेक्टली बैठ गई कुछ बोला भी नहीं कुछ मान सम्मान कुछ नहीं दिया है ना जाके डायरेक्टली बैठ गई भैया दादा कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला ठीक है <niest reviews> तो यहाँ पर वो गई और ऑटो रिक्शा में बैठ गई है ना यहाँ पर वो गई और ऑटो रिक्शा जो है वो उसमें जाके बैठ गई है ना ऐसा ज्यूम करो कि बैठ गई अब इतना ध्यान मत दो अब उसमें बैठ गई अब सब लोग आके बैठ गए ना पाँच छः लोग आके बैठ गए तो ऑटो वाले ने पीछे देखा हाँ भाई छः सवारी हो गई उसने चलाया वहाँ से ऑटो रिक्शा चलाया और यहाँ पर आके रोक दिया यहाँ पर आके रोक दिया तो जैसे ही उसने रोका तो पिकनिक तो चल नहीं रहा था तो सब लोग उतर गए और दस दस रुपए का नोट दिया और अपने अपने काम से निकल गए करेक्ट तो यहाँ पर बताइए वो अपने अपने काम से निकल गए परफेक्ट है क्या हाँ ना समझ आया तो यहाँ पर मुझे बताओ कि आपने कुछ भी बातें की क्या आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे किसी से बात करने में या ऑटो वाले से बात करने में है ना आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे किसी से बात करने में करेक्ट तो आप गए ऑटो खड़ा हुआ था आपको पता है कि शेयरिंग ऑटो आप बैठ गए वहां पर है ना ऑटो वाले ने चालू किया दो किलोमीटर बाद आपको छोड़ दिया आपने दस रुपए लिए दिया और आप निकल गए इशारों इशारे में हो गया सब आपने कुछ नहीं बोला ठीक है दिस इज कॉल्ड कॉल्डेज योर एम्प्लायड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड मतलब जहां पर आपको बोलना ना पड़े एक्सप्रेस ना करना पड़े शब्दों का यूज ना हो दैट इज कॉल्ड योर एम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलो हाँ या ना छह लोग कैसे बैठते हैं अरे बड़ा ऑटो रहता है था ना तीन तीन सीट वाला कैसे हो यार तुम तो इंडिया में रहते हो दो वही समझ हुआ के? समझ आए कि नहीं बताओ समझ आए कि नहीं क्लियर है ना ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट है सर वेरी गुड प्रियल ऑटोमेटिक है ये अपने शब्दों में लेकिन अपने को लीगल लैंग्वेज यूज़ करनी है दिस इज कॉल्ड इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट सिमिलरली इन्होंने क्या लिखा हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज आप ट्रेन में उतरे सपोज आप ट्रेन से आ रहे थे सपोज आप दिल्ली से आए दिल्ली से आए कहाँ पर आए सपोज आप दिल्ली से पुणे आए निशां गर अब प्यारी समझ गई यस वेरी गुड तो है ना नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनिएगा हाँ चल के लिए सर आप मैरिड हो क्या नहीं है ना नहीं मेरिड नहीं है है ना नहीं तो चेहरे पे अलग ही चमक दिखती है आंखों में ऐसे नहीं दिखता है ना चलिए सुनिएगा है ना दस भी बिठा लेते हैं यस yes. चलिए सुनिए नेक्स्ट सुनिए फटाफट से कि सपोज क्या हुआ कि आप एक ट्रेन से उतरे अब ट्रेन से उतरे है ना आपने अपनी जो सूटकेस है आपकी जो अपनी अटैची थी आपने अपनी अटैची को प्लेटफॉर्म पर रखा भर है ना आपने अपनी है ना अपने अटैची पर रखा तो घर वाले इतना प्यार और मान और सम्मान नहीं देते हैं, जितना एक कूली आपको देता है तो जैसे आप उतरे एक कूली आया बिना पूछे बिना पूछे आपकी आंखों में देखा उसने है ना बिना कुछ पूछे उसने आंखों में देखा और उसकी आंखों में उसने आपकी आंखों में देखा तो आपकी आंखों में देख के उसको समझ में आया कि आप कबूल है कबूल है बोल रहे हो दैट यू आर रेडी फॉर दैट तो उसने क्या किया आपकी आंखों में देखा तुरंत वो अटैची उठाई तुरंत तो वो सूटकेट्स उठाया अपने ऊपर रखा और चल दिया और आप भी पीछे पीछे चल दिए है ना सूर्यवंशी जी मैडम सिर्फ आप ही को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सिर्फ आपको समस्या है सिर्फ आपको सच्ची कह रहा हूं बाकी सबको क्लियर आ रही है है ना तो आपकी नज़रों में नज़र मिला के देखा है ना आपने भी देख के मुस्कुरा दिया उसने वो अटैची उठाई है ना ऊपर रख दी है ना बढ़िया जो है मटक मटक के चल रहा है है ना बढ़िया पूरी ब्रिज चढ़ रहा है है न दो दो प्लेटफॉर्म उसने पार किया फिर रोड तक आपको लेके गया वहां पर जाके अटैची रखी तो आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए है ना आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए करेक्ट तो उसने जैसे ही वहाँ पर सूटकेस रखा अब है ना तो आप भी वहीं पर थे उसके पीछे अब वो पलटा और आपको वापस मुस्कुरा के देख रहा है अब वो पलटा और आपको वापस से मुस्कुरा के देख रहा है तो क्या वो आपका नंबर लेना चाहता है बिल्कुल नहीं नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप उसको पैसे दो नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप उसको पैसे दो एंड आपको सपोज रेट पता है कि वहां से वहां तक का सौ रुपये जनरली लेते हैं आपको जो है रियल के लिए इमेजिन कर लिया पूरा तो यही तो हमारा काम है इमेजिन करवाना ही तो हमारा काम है है ना कौन से कुली को इमेजिन किया लेकिन वो आपकी चॉइस तो यहाँ पर क्या वो वहां पर गया और आपने सौ रुपए दे दिए आपको पता है कि रेट सौ रुपए तो पूरा का पूरा काम हो गया ना दिस इज वॉट दिस इज योर एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये भी क्या हो गया ये भी क्या हो गया आपका ये भी हो गया आपका एम्प्लायड कॉन्ट्रैक्ट समझ आए क्या सो द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इन थ्रू दी कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज दी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इंटू थ्रू दी कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज तो जो कंडक्ट के थ्रू समझा जाता है एंटर किया जाता है बॉडी लैंग्वेज होती है है ना कंडक्ट के थ्रू जो होता है बॉडी लैंग्वेज वगैरह होती है दैट इज कॉल्ड इज एन एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने मना कर दिया कि हमने थोड़ी ना बोला था उठाने को ऐसे कैसे ऐसे कैसे है ना वो बेचारा नजरों में देख रहा है आपकी आप मुस्कुरा भी रहे हो है ना फिर वो आपके है ना आपको जो है सामने चल रहा है है ना ऊपर सूट के सरख के आप भी पीछे पीछे चल रहे हो पूरा काम होने के बाद बोलोगे क्या कि हमने कुछ नहीं बोला था हद हो गई हद हो गई पहले ही रोक देना था ना पहले रोक देना था तो पहले खींच लेना था भैया क्या कर रहे हो ये कौन सा तरीका है है ना ऐसे से कर देना था नहीं तो ऐसे थोड़ी होता है पूरा काम हो गया फिर बोल रहे हैं कि हम मना कर देंगे ऐसा नहीं होता है है ना पहले ही मना करना चाहिए मतलब आपने एक्सेप्टेंस दे दिया था है ना आपने एक्सेप्टेंस दे दिया था एम्प्लाइड अगर आप पीछे पीछे चल रहे थे उसके तो आपने भी तो एक्सेप्टेंस दे दिया था एम्प्लाइड वाला थ्रू कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज सही बात है कि नहीं सही बात है ना है ना चले सुनेगा कुछ लोग रहते हैं ना संतोष कह रहा है ए संतोष की गर्लफ्रेंड को बताओ है, संतोष की गर्लफ्रेंड को बताओ झगड़ा करवाएगा रेलवे स्टेशन पे देखिए इंप्लायड कॉन्ट्रैक्ट्स सो इंप्लायड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट केम एग्जिस्टेंस तो इंप्लायड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स य कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय इंप्लीकेशन ऐसे आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो <coughs> है ना ये आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय एन एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज तो ये इंप्लीकेशन इम्प्लीकेशन कैसे होता है बाय एक्शन तो आप कुछ करते हो नहीं करते हो मतलब इशारे भी कर सकते हो या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज मतलब उनके हाव भाव से है ना उनके हाव भाव से समझ में आ रहा है उनके हाव भाव से समझ में आ रहा है ठीक है परफेक्ट क्लियर नेक्स्ट है ना नेक्स्ट सुनेगा और कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन दैम कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन दैम मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी आपको पता है कि भाई है ना आपके बीच में ऐसे ही ट्रांजेक्शन होता है कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन मतलब दैम है ना टाइगर गेमिंग प्लीज़ ये क्वेश्चन ना पूछो है ना प्लीज़ ये क्वेश्चन जो है ना पूछो है ना लाइव दिख लाइव दिख गए इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूछोगे कि सुबह एग्जीक्यूटिव का लेक्चर है कि नहीं होता ही है ना पूछने वाला कोई सेंस नहीं बनता है और ऊपर से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ओके चलिए सुनेगा तो यहाँ पर क्या है इम्प्लीकेशन इज़ बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन दैम मतलब दो पार्टीज को ऑलरेडी पता है कि भाई ऐसी ट्रांजेक्शन होता है जैसे वो ऑटो वाला था है ना ऑटो वाला था आपको पता है कि भाई ये ऑटो जो है दो किलोमीटर दूर जाके छोड़ देगी सो दिस इज डन थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज तो दोनों पार्टीज को पता ही था दोनों पार्टीज को ऑलरेडी पता ही था करेक्ट है समझ आया ना नेक्स्ट सेक्शन नाइन ऑफ द एक्ट कॉन्टेम्पलेट सच इम्प्लाइड वॉरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट वेन इट लेस डाउन दैट इन सो फार ए सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रोम इज सेट टू बी इम्प्लाइड तो यहां पर देखो आप सिंपली क्या लिखना है ना आप सिंपली क्या लिखना ये एक्ट की ये जो एक्ट है ना सेक्शन नाइन जो है ये क्या कहता है कॉन्टेम्पलेट्स मतलब उसका मीनिंग क्या है या वो क्या कहना चाहता है है ना सुनिएगा है ना सुनिएगा तो यहां पर क्या कहा है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वेन इट लेस डाउन दैट इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन दी प्रस इज सेट टू बी इंप्लाइड तो ये थोड़ा सा टिपिकल लिखा हुआ है ये लीगल लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टिपिकल लिखी हुई है परफेक्ट है ना तो मैं आपको बता दूं है ना मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूं द कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन थ्रू द कंडक्ट ऑफ दार्टीज द कॉन्ट्रेक्ट विच इज एंटर थ्रू द कंडक्ट ऑफ दार्टीज तो प्लीज ये ध्यान से लिख लो है ना यस मैं आपको इजी लैंग्वेज के लिए बता रहा हूं इजी लैंग्वेज के लिए बता रहा हूं प्लीज ये जो की वर्ड्स है साइड में लिख लो दिच इज डन थ्रू द कंडक्ट ऑफ दार्टीज है ना और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे इसमें वेन दफर एंड एक्सेप्टेंस इज नॉट डन थ्रू वर्ड्स

रजत कह रहा है यहां पर जो है पेज नंबर बताइए मेरे मेरे नोट्स का पेज नंबर ट्वेल्व है मेरे नोट्स का पेज नंबर ट्वेल्व है मॉड्यूल का पता नहीं आपको देखना पड़ेगा मॉड्यूल का आपको देखना पड़ेगा ओके डन क्लियर के बताइए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज नॉट डन थ्रू वर्ड्स ठीक है परफेक्ट क्लियर चलिए अब देखिए एग्जाम्पल यह हुआ है वेन अ कूली इन अ यूनिफॉर्म तो सेम एग्जाम्पल है कूली वाला वेन अ कूली इन अ यूनिफॉर्म पिक्सअप दी लगेज ऑफ ए टू बी कैरीड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बिंग आस्ट बाई ए ए ने पूछा भी नहीं था ए ने पूछा भी नहीं था एंड ए अलाउज हिम टू डू सो ए ने उसको बोल भी दिया मतलब उसने अलाउ किया उसने कुछ मना नहीं किया इट इज एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विस ऑफ द कूली डिटेल्ड बाय हिम तो ए को यहां पर है ना पे करना ही चाहिए उसने मना नहीं किया मतलब पे करना ही चाहिए पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट आप रेस्टोरेंट में गए आपने कॉफ़ी पी ली देयर इज एन एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी है ना मतलब इन्होंने जो एग्जाम्पल आधा अधूरा लिखा है मतलब आप आप ऐसी जगह पर गए जहाँ पर कॉफी ही मिलती है आप ऐसी जगह पर गए जहाँ पर कॉफी ही मिलती है अगर कूली ने ज़्यादा पैसे मांग लिए तो बोल देना कि नहीं देंगे या कम देंगे तो वह एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यस yes, प्रियल आपको एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ लिखना पड़ेगा ठीक है तो ये एग्जाम्पल पूरी तरीके से आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ नहीं है अब इनके कहने का मतलब है ये है कि आप एक दुकान में गए वहाँ पर एक ही तरह की कॉफ़ी मिलती है और आप जाके अकेले बैठे हो है ना सिंगल आदमी हो आप तो आपके लिए एक ही कॉफी ला देगा ना वो अगर आप एक ही इंसान जाके बैठे हो तो आपके लिए एक ही कॉफी ला देगा तो आपने उसको पी लिया और फिर आपने सलाम नमस्ते करके भाग रहे हो तो ऐसे थोड़ी होता है पी लिया ना तो पैसा देना पड़ेगा ये क्या है आपका एम्प्लॉड कॉन्ट्रैक्ट है होता है आपका एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट क्लियर समझ आया बहुत बढ़िया अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है आपका टेसेट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है देखो पहले आपने क्या पढ़ा एक्सप्रेस पढ़ा सेकंड आपने क्या पढ़ा इंप्लाइड पढ़ा थर्ड वाला है टेसेट अब देखो टेसेट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये क्या है दिस इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली टेसेट कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर आप इसको पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा टेसेट का मतलब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है विच इज डन अदर देन थ्रू वर्ड्स जहां पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना इजी लैंग्वेज में लिखा है ना बेटा रजत रजत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवाया ना है ना विच इज डन थ्रू कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज डन विदाउट एनी वर्ड्स जहां पर वर्ड्स जो है आपका आपका जो वर्ड्स है वो यूज नहीं किए गए परफेक्ट तो आपको लिखवाए तो सही मैंने रजत जहां जहां पर टफ होगा मैं खुद ही लिखवा दूंगा चिंता ना करे टैसेट को टेसेट ही बोलते हैं इसका कोई दूसरा वर्ड नहीं है सुनेगा प्लीज बहुत ध्यान से टेसेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब दिस अ काइंड ऑफ एम्प्लॉड कॉन्ट्रैक्ट ओनली दी वर्ड्स आर नॉट बिंग यूज दिस इज डन थ्रू दी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज लेकिन अगर टेसेट आया ना तो इसमें आप दो ही एग्जाम्पल लिखेंगे ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना सारी की सारी किताबों में सारे के सारे ऑथर्स ने यहाँ पर सिर्फ दो ही एग्जाम्पल बताएं जो टेसेट में आते हैं वैसे तो ये भी इम्प्लॉयड ही है लेकिन इसका स्कोप बहुत छोटा है अब क्या है ना हमने इंग्लिश लॉ को फॉलो किया है हम क्या करते हैं हम अंग्रेजी लॉ को फॉलो करते हैं हमने कॉपी पेस्ट किया है अपना दिमाग हमने लगाया नहीं है तो उन्होंने टेसेट लिखा था तो हमने भी टेसेट लिख दिया यहां पर सिर्फ दो ही चीजें आएगी यहां पर दो ही चीजें आएगी पर दो ही चीजें आएगी टेसेट इज मोर और लेस लाइक इंप्लाइड ओनली बट यहां पर दो ही एग्जाम्पल like लिखना क्या यहां पर दो ही एग्जाम्पल लिखना एक एटीएम वाला और दूसरा बिडिंग वाला एक एटीएम वाला और एक बिडिंग वाला ठीक है यस बिडिंग मतलब ऑप्शन सेल परफेक्ट बिडिंग करवाना मतलब क्या बोली लगवाना बिडिंग करवाना मतलब क्या बोली लगवाना ठीक है हाँ डन या ना समझ आया समझ आया कि नहीं तो एक आपको हो गया एटीएम और सेकंड बिडिंग या फिर ऑप्शन सेल साइलेंस इज एग्रीमेंट यहां पर नहीं आता है साइलेंस इज एग्रीमेंट यहां पर नहीं आता है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस यहां पर नहीं आता है आगे आएगा ओके चलिए सुनिएगा मैं ऑलरेडी टेसिड और इंप्लायड में जो डिफरेंस बता चुका हूं हूँ आप सुनते नहीं हो मेरी बात चलो सुनो तो मैंने आपको क्या कहा टेसेट मीन्स साइलेंट है ना टेसेट का मतलब क्या होता है टैसेट का मतलब चुपचाप मुझे बताओ जब आप ए मशीन में जाते हो तो ए मशीन आपसे बातें करती है है ना कस्टमर केयर है आपको देखिए डांस करती है शायरी सुनाती है गाना सुनाती है क्या करती है कुछ नहीं करती है है ना कुछ नहीं करती है परफेक्ट है ना तो साइलेंटली आप क्या करते हो आप ए में जाते हो आप डेबिट कार्ड डालते हो फॉर एग्जाम्पल या क्रेडिट कार्ड डालते हो जो भी आपने कार्ड डाला पिन डाला पैसे बाहर तो ये भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये थोड़ी कि सामने कोई इंसान बैठा रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सामने कोई इंसान ही बैठा रहना चाहिए करेक्ट <laughs> जैसे आपने कभी अपना वजन निकाला एक वेइंग मशीन होती है है ना वेइंग मशीन होती है जिसमें आप जो है आप एक दो रुपए का सिक्का डालते हो तो आपका वज़न सामने आ जाता है तो वो भी क्या है वो भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है है ना वहाँ पर आपका वेट देख के जो है मशीन हंसती और होती थोड़ी है है ना वो थोड़ी बोलती है वो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया या कम हो गया कम हो गया वो ऐसे थोड़ी बोलते हैं तो वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर आपने कंसीडरेशन डाला है आपने पैसा डाला है और बदले में क्या मिला आपको वजन सही बात है कि नहीं क्लियर है कि नहीं PCO, पी वेरी गुड है ना पी में क्या आपने सिक्का डाला फोन लगा सकते हो आप है ना कर लो दुनिया मुठ्ठी में परफेक्ट हाया ना हाँ या ना क्लियर है ना चलिए तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी सुनिएगा तो टेसेट का मतलब होता है शांति साइलेंट चुपचाप ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टेसिड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटर्न मतलब अंडरस्टूड इन्फर्ड का मतलब होता है अंडरस्टूड ठीक है इन्फर्ड का मतलब क्या होता है अंडरस्टूड तो प्लीज बहुत ध्यान सुनना तो यहां पर क्या बोला है टेसेट कॉन्ट्रैक्ट आर आर अंडरस्टूड थ्रू दी कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटर्न तो सेम इंप्लाइड में भी, भी तो ये लिखा था भाई एम्प्लायड में भी तो ये लिखा था बोलो हाँ या ना एम्प्लाइड में भी तो ये लिखा था टेसेट में भी ये लिखा है करेक्ट बट बस इतना ध्यान रखना कि एम्प्लायड में बहुत कुछ आ जाता है टेसेट में दो ही चीजें आती है एम्प्लाइड में बाकी सब चीजें आ जाएगी लेकिन टेसेट में दो ही चीजें आएगी ठीक है आप चाहे तो इसको लिखो है ना आप जो सौ सौ बार यहां पर पूछ रहे हैं कृपया करके उसको साइड में लिखो टेसेट में दो ही चीजें आएगी एक एटीएम और एक ऑप्शन सेल है ना आपके टेसेट में दो ही चीजें आएगी एक एटीएम और एक ऑप्शन सेल एग्जाम में अगर लिखने बोला तो सिर्फ यही दो एग्जाम्पल लिखना और कुछ मतलब क्या ना और कुछ अगर लिखना होगा तो इंप्लाइड में लिखना यहां पर दो ही चीजें आएगी ठीक है परफेक्ट क्लियर है ना बहुत बढ़िया अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टेसेट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वेन कैश इज वि कस्टमर फ्रॉम अ बैंक यूजिंग दी ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन लेकिन कुछ आपसे जो है बातें नहीं करती है इसको आप कहते हैं एटीएम परफेक्ट अनादर एग्जाम्पल ऑफ बी अज्यूम टू हैव बीन एंटर्ड सेल इज गिवन इफेक्ट विद एट दी फॉल ऑफ हैमर इन ऑप्शन सेल इट इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट फॉल्स विद द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्ट तो इन्होंने क्या कहा कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में टेसिट आता है तो आप समझ सकते हो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप है टेसेट विद पे क्लिक करते हैं ना यह एक्सप्रेस हुआ नहीं एक्सप्रेस मतलब शब्दों का इस्तेमाल एक्सप्रेस मतलब शब्दों का इस्तेमाल अगर आप ए मशीन में गए वहां पर एक माइक लगा हुआ था आपने कहा कि कन्या सुनिए हमको दस हजार रुपये निकाल के दीजिए फिर वो चिल्ला रही है आपका एटीएम पिन बताइए आपने कहा ऐसे पब्लिक में नहीं बताएंगे तो उसने कहा कि यहाँ पर टाइप कर दीजिए तो आपने टाइप किया तो ये आप बातें कर रहे हो दैट इज एक्सप्रेस है ना आपने जाके है ना आपने जाके क्या किया आपने जो बटन दबाया आपने जाके सिर्फ बटन दबाया तो दिस इज डन थ्रू टू कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज ये तो आपके बॉडी एक्शन से हो रहा है ये तो इशारे इशारे हो गए ना

अब यहां पर देखो अर्चना वापस से वो सवाल पूछ रही है तो अब हम अर्चना को ऑप्शन कर देते हैं है ना अर्चना ने वापस से वही सवाल पूछा देखो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा एक ही चीज दस बार बताएंगे तो आगे कब बढ़ेंगे भाई है मुझे बताओ अर्चना जो है अर्चना की हम बोली लगा रहे हैं अर्चना की अभी हम बोली लगा रहे हैं क्यों <coughs> अर्चना की हम बोली लगा रहे हैं क्यों क्योंकि वो कबड्डी प्लेयर है भाई देखो कबड्डी प्लेयर है है ना हल्के में ना लो बेटा अगर आपने अर्चना को कुछ बोला तो है ना कपड़े फट जाएंगे आपके सुनो तो क्या है आपके कि वो कबड्डी प्लेयर है तो हम क्या कर रहे थे है ना हम जो टीम का ऑप्शन करवा रहे थे हम बोली लगवा रहे थे प्लेयर्स की हम बोली लगवा रहे थे प्लेयर्स की तो यहाँ पर समझो ऑप्शन कौन करवा रहा था ऑप्शन करवा रही थी कौन ज्योति है ना ऑप्शन करवा रही थी ज्योति तो ज्योति मैडम जो है ना ज्योति मैडम जो है ना वो ऑप्शन करवा रही है है ना यहाँ पर ऐसे खड़ी हो गई हैं है ना बढ़िया एक प्यारी सी चोटी बना के है ना ऐसे वो जिग्जैक जिग्जैक वाली चोटी बना के ज्योति मैडम जो है ये करवा रही है ऑप्शन ठीक है तो अब सभी को पता है सभी को पता है कि भाई अर्चना का बेस प्राइस जो है अर्चना का बेस प्राइस जो है वो है दस लाख अर्चना का बेस प्राइस जो है वो है दस लाख मतलब दस लाख से बोली चालू होगी एंड वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनके हाथ में हमने वो कार्ड दे रखा है ना ऐसे जो हाँ, हैंड रेस करते हैं ना और वो जो हैंड रेस करते हैं ना ऐसा मतलब ऐसे देखे रखा है उनको ठीक है तो सबको एक एक जो है वो पत्ता दे के रखा है ना एक एक जो है वो कार्ड देके रखा है करेक्ट परफेक्ट है ना तो हमने उनको ऑलरेडी बता के रखा है कि भाई अगर आप एक बार रेस करोगे ना मतलब क्या होगा एक लाख रुपए से प्राइस बढ़ जाएगा है ना एक लाख रुपए से प्राइस बढ़ जाएगा ओके बताइए समझ आया क्या समझ आया क्या तो यहां पर क्या जो ज्योति मैडम थी है ना जो चोटी निकाल के आई थी बढ़िया वाली तेल लगा के तो सुनिएगा सुनिएगा तो यहाँ पर हमने बेस प्राइस क्या रखा था दस लाख और हमने सभी को बोल दिया था कि अगर आपको अपनी टीम में अर्चना को लेना है तो फिर क्या करेंगे फिर करेंगे है ना आप जो है अपना हैंड रेस कर देना तो जैसे ही हैंड रेस कर दिया मतलब एक लाख से बढ़ गया है ना एक लाख से बढ़ गया अब यहाँ पर यह पहला इंसान बैठा था बोली चालू हुई है ना बोली, बोली चालू हुई ऐसे स्क्रीन पर आया स्क्रीन पर आया अर्चना का अब जो है ऑप्शन होने वाला है ठीक है तो जैसे ही चालू हुआ तो पहले वाले ने एक बार हाथ उठाया तो ग्यारह लाख फिर दूसरे ने उठाया तो बारह लाख फिर एक और ने उठाए तो तेरह लाख फिर एक और ने उठाए तो चौदह लाख फिर पहले ने एक बार उठाए तो पंद्रह लाख ठीक है पंद्रह लाख के बाद कोई कुछ नहीं उठा रहा था पंद्रह लाख तक पांच बार हाथ ऊपर गए उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो ज्योति जब तक जो है बढ़िया अपने नाखून जो है वो रब कर रही थी उसको लग रहा था बाल काले होंगे ठीक है तो उसने देखा आप कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो उसने तीन बार जो हैमर है ना ऐसे यहाँ पर डाला यहां पर ऐसा जो है ठोका उसने है ना तीन बार जो हैमर है हाँ ऐसे ही ऐसी जैसे आप हाथ उठा रहे हो ना वैसे तो उसने ऐसे वन टू थ्री ऐसे किया हो गया सेल डन हुई हो जहां पर क्या हो जहां पर बात न हुई हो और लेकिन अगर यहाँ पर ज्योति बैठे बैठे बड़बड़ बड़ कर रही है ना लगाओ बोली लगाओ बोली लगाओ बोली है ना ग्यारह लाख अरे ग्यारह लाख भैया और लगाओ ग्यारह लाख लाइक थोड़ी है ना और लगाओ हमारा भी कमीशन बनता है पंद्रह नहीं नहीं और बोलो और बोलो मजा नहीं आ रहा है मजा नहीं आ रहा है तो हो जाएगा एक्सप्रेस तो हो जाएगा एक्सप्रेस नहीं 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 मुबीन जी मैं ना हाँ मैं आपसे हाथ जोड़ के ये जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेसेट में दो ही चीज़ें लिखना टेसेट में दो ही चीज़ें लिखना एक ए और एक ऑप्शन इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आ रहा है है ना सिक्का डालना ये डालना वो डालना जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको एम्प्लाइड में लिखना टेसेट में दो ही लिखना आपके क्योंकि मॉड्यूल में उतना बताया है। आप देखोगे प्रैक्टिकली तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है प्रैक्टिकली देखोगे तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों सेम है लेकिन अब क्योंकि मॉड्यूल में लिखा है तो अपने को फॉलो करना पड़ रहा है समझ आया क्लियर है परफेक्ट चले आगे बहुत बढ़िया चलो सुनो है ना अब ये सवाल नहीं पूछेंगे टेसेट में और कुछ आएगा टेसेट में दो ही चीज आएगी मैंने आपको बोला लिख लो फिर भी पूछते हैं हद मचाते यार चलिए ऋषि कह गुड इवनिंग तान्या अरे हम भी बैठे हैं भाई इधर हम भी बैठे हैं इधर चलो सुनो यहां पर आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है है ना लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉजी का मतलब होता है लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कॉजी का मतलब होता है लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है ये समझ आया क्या आपको मुझे बताओ टेसेट समझ आया ना टेसेट में क्या लिखोगे टेसेट का मतलब होता है शांति चुपचाप टेसेट का मतलब होता है पहले क्या टेसेट का मतलब होता है साइलेंट ठीक है फिर सेकेंड क्या टेसेट मतलब जो होता है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के थ्रू विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटर्न यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और यहाँ पर दो जो है आप एग्जाम्पल लिख के आना एक ए टी एम वाला ऐसे लिखना देर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल है इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऋषि हाथ जोड़ रहा है अब क्या अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत हाँ है <laughs> ना बताओ <laughs> मतलब क्लास में एंटर हुए तो दो मैं आप पढ़ा रहा हूँ सपोज अज्यूम करो फेस टू फेस क्लास होती ये क्लास में एंटर कर रहे हो तान्या हाई गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सारा मैं सोच रहा हूँ इज्जत ही नहीं है कुछ दो गई कोई बात नहीं कर लो आप कर लो है ना फुर्सत हो जाए फिर मेरी तरफ ध्यान दे देना कोई दिक्कत नहीं <coughs> चलो सुनो ध्यान से हो गया ये टैसे कॉन्ट्रैक्ट समझ आए चलो मजाक करता हूं दिल पे मत लिया करो नेक्स्ट है आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है ना नेक्स्ट है आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जैसा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के जैसा अब मुझे बताइए मुझे बताइए कि आप पढ़ोगे ना यूनिट नंबर फाइव सिक्स में पढ़ोगे अब यहाँ पर ऋषभ जो है ना यहाँ पर ऋषभ जो है ना यहाँ पर ऋषभ जो है ना ऋषभ वो पहनता था पचास तोले की है ना चैन है ना यहाँ पर जो है ऋषभ जो है ना ऋषभ जो है ना वो पचास तोला है ना इतनी बड़ी जो है ये चैन सोने की चैन पहनता था कितने की पचास तोले की ये <Cuh>. कितने की पहनता था पचास तोले की और ये कैसा कौन सा था है ना लाल सोना था लाल सोना अपन ने येल्लो देखा होगा लेकिन इसने क्या पहना इसने लाल सोना पहना काफी यूनिक है है ना रेड गोल्ड फुल चार्ट में टेसेट नहीं था उजूजी उजूजी क्योंकि वो इम्प्लाइड का ही पार्ट है ना इसलिए नहीं था लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है अपने नोट से अपने नोट से है ना के तो भी उतना ही पैसा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए सुनिएगा सुनिएगा तान्या के लिए गुड इवनिंग ऋषि वेरी गुड वेरी गुड चलो सुनो तो यहाँ पर क्या आपका क्या होगा लाल सोना पचास तोले का था अब देखो ऋषभ जो है आपका खास मित्र था ऋषभ जो है ना आपका खास मित्र था या नहीं भी होता अगर दोस्त नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी है ना एक दिन वो रस्ते से जा रहा था ठीक है तो उसका ना अचानक से केले के छिलके पर पैर फिसल गया तो केले के छिलके पर पैर फिसल गया तो उसकी जो तो चैन है ना ये भी दूर जाके कहीं गिर गई है ना ये भी जो है दूर जाके कहीं गिर गई अब ये किसकी नज़र में आई ये किसकी नज़र में आई वहाँ से वहाँ से जो दो लोग गुजरे थे कौन ऋषि एंड तान्या वहां से गुजर रहे थे ऋषि एंड तान्या तो वो ऋषि एंड तान्या वहां से गिर रहे थे गुजर रहे थे तो उन्होंने एकदम से सोने की चेन देखी वहां पर पड़ी हुई है लाल सोना तो लाल सोना देख के तो भाई ये भी चमक गए और इन्होंने चैन उठा ली इन्होंने क्या किया इन दोनों ने मिला के चैन उठा ली ठीक है मुझे बताओ क्या इनको चैन वापस करना चाहिए कि नहीं क्या ऋषि एंड तान्या एंड ऋषभ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या मुझे बताइए ऋषि एंड तान्या एंड ऋषभ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या कि भाई अगर आपकी चैन गिरेगी तो हम आपको लौटाएंगे बताइए ऋषि कह रहा है कि सरम सोना रहा है फिर तो और नहीं देगा फिर तो और नहीं देगा बेटा ये है ना उसमें से भी जो है है ना एक दो कैरेट निकाल लेगा फिर मार्केट में बेच देगा है ना बताइए हाँ या ना तो क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नहीं इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब होता है जब ऑफर हो एक्सेप्टेंस हो वगैरह वगैरह तो यहाँ पर किस बात का ऑफर एक्सेप्टेंस कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है यहां पर आपको दिख रहा है क्या नहीं तो यहां पर भाई आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कोई भी कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है सही बात है ना तो अगर आपका ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप आगे पढ़ोगे देर इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तो आपको है ना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको लौटाओ ऐसा लॉ में कहा गया है कहीं कहीं पर कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ है तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको लौटाओ दिस इज कॉल्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट दिस इज कॉल्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है दिस इज कॉल्ड एज योर यजी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स विच इज नॉट डन थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बट बट एज पर द इंप्लीकेशन ऑफ लॉ यू आर सपोज टू रिटर्न दैट आइटम टू द ओनर तो जो भी ओनर रहेगा आपको उस वो गुड्स वापस करने दैट इज कॉल्ड इज योर दैट इज कॉल्ड इज द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है और यहां पर आप क्या थे यहां पर ये ऋषियंट तान्या क्या थे है ना यहाँ पर ऋषियंट तान्या क्या थे ये थे ये थे फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स इनको आप क्या कहते हैं इनको आप कहते हैं फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स ठीक है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स आपके भी स्कूल में ऐसा होता होगा ना कभी किसी की बॉटल छूट गई कभी किसी की चाबी छूट गई कभी किसी की नोटबुक छूट गई तो आप जाके जो स्टाफ रूम में दे आते थे या जो भी आपका वहां पर अलग से एरिया होगा ना तो उसको आप बोलते थे कि भाई किसी का खो गया वापस दे देना ठीक है परफेक्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि नहीं समझ आया कि नहीं समझ आया परफेक्ट क्लियर बहुत बढ़िया चलो तो यहां पर क्या बोला है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुनिएगा एक बार पढ़ लेते हैं अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है गोयम कह रहे हैं नेक्स्ट डे नहीं मिलती थी कर्म ही ऐसे किए होंगे आपने करम ही ऐसे किए होंगे आपने की पचास सौ रुपए वाली रुप बॉटल भी चुरा के लेके जाते थे चलिए सुनिएगा है ना इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज तो ऐसा लॉ ये ऐसा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ के तहत बनता है लॉ के कारण बनता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ओके दी लॉ क्रिएट्स एंडफोर्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन वेन नो रियल कॉन्ट्रेक्ट एक्जिस्ट क्योंकि यहां पर कोई रियल कॉन्ट्रेक्ट नहीं था तो लॉ किसी प्रकार का राइट एंड ऑब्लगेशन आपके ऊपर डालता है तो आपको अगर गिरवी चैन मिल गई तो आपका ऑब्लिगेशन था कि उसको लौटाना और सामने वाले का अधिकार था कि वो आपसे वापस ले ऐसा थोड़ी कि ये दोनों जो है चैन तोड़ के है ना चैन तोड़ के है ना आधा आधा दिल डाल के फिर उसमें घूम रहे हैं समझ रहे हैं आप? हो आप ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई चैन को उन्होंने तोड़ा छोटी छोटी करवा ली है ना और उसमें आधा आधा जो है दिल डाल के घूम रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा है ना बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अगर ओनर ने देख लिया तो दोनों की जो गले से चैन की चलेगा समझ आया परफेक्ट क्लियर है तो इनकी ऑब्लिगेशन थी इनका ऑब्लिगेशन था वापस करना और उसके पास अधिकार है उसके पास राइट है कि वापस लेना परफेक्ट नेक्स्ट सच ऑब्लगेशन आर नोन एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इनको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इन कॉन्ट्रेक्ट वेर देर इज नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ द दर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का इंटेंशन नहीं था इन दोनों के बीच में कुछ इंटेंशन था क्या कुछ ऑफर एक्सेप्टेंस था क्या बिल्कुल नहीं इन दोनों के बीच में कुछ भी इंटेंशन नहीं था कुछ भी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था बट लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन पार्टीज बट कानून के कारण इनको करना पड़ेगा कानून के कारण इनको करना पड़ेगा बोलो समझ आए कि नहीं क्लियर है कि नहीं बताइए समझ आए कि नहीं क्लियर है नहीं, क्लियर है ऑब्लीगेशन ऑफ दर ऑफ दॉस गुड्स ऑब्लीगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स टू रिटर्न दैम टू दूनर और लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हूम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रिपे इट टू रिपे बैक कैन नॉट बी सेट टू बी रेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इवन इफ इन इट्स रिमोटेस्ट सेंस एज देयर इज नीदर ऑफर नॉर एक्सेप्टेंस नॉर कॉन्सेंट दीज आर सेट टू बी कॉज कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर आपको दो पॉइंट दिए गए तान्या के अरे गाइज हम सिर्फ दोस्त हैं तान्या हम समझ गए आप सिर्फ दोस्त हो आप सिर्फ दोस्त हो आप बिल्कुल है ना सिर्फ दोस्त हो गए लेकिन है ना लेकिन अगर आपकी क्लैरिफिकेशन नहीं देती ना तो ज़्यादा बेटर होता बट ठीक है क्योंकि ये डायलॉग हमने है ना बहुत सुना है मूवीज़ में आप सच्ची में रियल फ्रेंड होंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है बट हमने मूवीज़ में ऐसा बहुत सुना है है ना कि भाई ये सब है ना अच्छे दोस्त तो काफ़ी ऐसे कॉमन डायलॉग आपको पता ही होगा मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना चलिए सुनेगा प्लीज़ बहुत ध्यान से ना सुनेगा प्लीज़ बहुत ध्यान से अब इसी बात पर जो है इसी बात पर जो है ना मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ इसी बात पर मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ तो क्योंकि मुद्दा निकल ही गया है इस पर है ना मैं आपके चालीस सेकंड लूंगा ज़्यादा नहीं सुनीगा गौरव ना न गौरवेगा दो ही लाइन किए दो ही लाइन की तबीयत ठीक है दो लाइन की सुनिएगा बहुत ध्यान से कि तबीयत ठीक है दवाइयां क्यों दे रही हो तबीयत ठीक है दवाइयां क्यों दे रही हो और अगर तूने वफा की थी अगर तुमने वफा की थी तो सफाइया क्यों दे रही हो अगर तुमने वफा की थी तो सफाइया क्यों दे रही हो शुक्रिया 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 सुनेगा ध्यान से सुनेगा ध्यान से मुद्दे पर आते तो हैं तो यहां पर आपको दो एग्जाम्पल दिए क्या एक आपको दिया हुआ है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स एक आपको क्या दिया हुआ है एक आपको दिया हुआ है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स ठीक है अगर आप फाइंड आउटी लॉस गुड से तो भी आपको लौटाने पड़ेंगे सेकेंड अगर आपको गलती से पैसा पहुंच गया अगर आपको है ना सुनिएगा अगर क्या हुआ अगर आपको गलती से पैसा पहुंच गया है तो आपकी जिम्मेदारी उसको लौटाना आपकी जिम्मेदारी उसको लौटाना अब देखो प्रैक्टिकली जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ ये बैंकिंग चैनल में होता है गलती से अगर आपके अकाउंट में कभी मैसेज आए कि आपके अकाउंट में पांच लाख आ गए ऐसे ही है ना हवा में तो भाई पूछताछ होगी बिल्कुल है ना वो बोलेगा कि मैंने गलती से अकाउंट नंबर गलत डाल दिया था तो आपको लौटाना पड़ता है है ना आपको लौटाना पड़ता है लेकिन वो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दो तीन दिन के अंदर अंदर जाके बैंक में कंप्लेंट करे ठीक है परफेक्ट क्लियर है ना हाँ या ना आना? हाँ या ना क्लियर है ना बहुत बढ़िया अब देखिए मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था है ना ऐसे दोपहर का टाइम था दोपहर का टाइम था तो अचानक से अचानक से मुझे मैसेज आया अचानक से मुझे मैसेज आया कि भाई आपका रिचार्ज हो चुका है मोबाइल में पाँच सौ निन्यानबे का कुछ तो फाइव नाइन्टी नाइन का रिचार्ज हो गया था अचानक से है ना मैंने बोला वो कहां से आ गया कंपनी ने ऑफर निकाला होगा मैं भूल गया मैं उसको भूल गया मैं बोला बढ़िया बात है ना रिचार्ज हो गया ऑटोमेटिक ऐसा तो फिर उसके आधे घंटे बाद कॉल आया उनसे बोला कि भाई एक नंबर था ना गलती से मैं अपने नंबर पर कर रहा था आपके नंबर पर हो गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं आपको पैसा लौटा देता हूँ अब रिचार्ज तो हो ही गया ना बेनिफिट तो मुझे तीन महीने का मिलने वाला था मैंने बोला लौटा देता हूँ तो मैंने बोला कैसे लौटाऊँ तो मैंने बोला पे वगैरह वगैरह पता नहीं कहीं का है ना <clears throat> अलीबाग वगैरह का नंबर था कुछ तो, तो मैंने बोला कैसे लौटाऊँ तो बोले कि मेरे पास तो कुछ है नहीं तो मैंने बोला आसपास वाले का देखो फोन पे करो पेटीएम करो वगैरह वगैरह कुछ करो या बैंक अकाउंट नंबर दो तो उसने भेजा फिर तो मैंने उसको लौटा दिया है ना अब मैं नहीं लौटा तो क्या करता वो है ना अगर मैं नहीं लौटा था तो क्या करता वो कुछ नहीं कर पाता है ना कहाँ अलीबाग कहाँ मैं क्या ही करता वो दस बार कॉल करता मैं ब्लॉक कर देता उससे ज़्यादा क्या ही होता ठीक है लेकिन मैंने बोला नहीं बेनिफिट मिला है तो लौटा देना चाहिए ना ऐसे थोड़ी है परफेक्ट है कि नहीं बताइए तो यहाँ पर अगर आपको गलती से पैसा पे हो गया है तो ऑफ़र एक्सेप्टेंस नहीं था लेकिन लॉ कहता है कि क्योंकि गलती से मिला है तो आपको लौटाना पड़ेगा परफेक्ट क्लियर है है ना बहुत बढ़िया आप देखते हैं आगे है ना आप देखते हैं आगे ना रिया कह रही है सर बहुत शरीफ है अब ये पाँच सौ छः सौ रुपये ले नाम खराब करेंगे क्या पाँच सौ छः सौ रुपये का नाम लेके नाम खराब करेंगे क्या है ना मैं नींद से उठा बाजू में कभी दस करोड़ का डब्बा पड़ा हुआ है ओहो भाई फिर मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ है ना कभी मैं नींद से उठा और साइड में एक आटे का डब्बा पड़ा है उसमें मैंने देखा सुबह नींद से उठ के कि दस करोड़ रुपए का कैश पड़ा है अंदर तो, तो मैं समझूंगा कि लक्ष्मी जी छोड़ के गई है फिर हम नहीं ढूंढ रहे किसी को है ना फाइंडर ऑफ दी लॉस्ट गुड्स वो सिर्फ किताबों में रह जाएगा है <coughs> ना सर कैन यू रिकॉर्ड दी लेक्चर्स एंड देन अपलोड इन यू आशुतोष दिज आर गेटिंग रिकॉर्डेड एंड दिस विल गेट ऑटोमेटिक अपलोडेड ऑन यू सो चिल रिलैक्स ओके परफेक्ट क्लियर चलिए नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो आप ई करके करते हो वो होता है आपका ई e कॉन्ट्रैक्ट अब इसको और क्या कहते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता है विच इज डन थ्रू इंटरनेट विच इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड दैट इज कॉल्ड इज योर दैट इज कॉल्ड इज योर है ना आशुतोष पटनायक जी मैंने आपका जवाब दिया कृपया करके स्पैम ना करें और सुन लीजिए कीजिए जब मैं आपका नाम लेता हूँ तब तो सुनते नहीं हो फिर स्पैम करते हो चलो सुनो तो कॉन्ट्रेक्ट मतलब क्या होता है जो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हो दैट इज कॉल्ड इज येक्ट परफेक्ट है ना अब पहले इसको और क्या नाम से बोलते हैं प्लीज बहुत ध्यान से सुनना है ना प्लीज बहुत ध्यान से सुनना है और क्या नाम है ईडीआई को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई को आप और क्या कहते हैं इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोले समझ कि नहीं इज कॉल्ड एज योर

इसको और क्या कहते हैं माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है क्योंकि आप जो है है ना माउस क्लिक से भी करते हो इस वजह से बोलो तो इनका ये और नाम जो है प्लीज ध्यान रखना कि आपको अगर एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन ई कॉन्ट्रैक्ट या फिर माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट या फिर ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट या फिर साइबर कॉन्ट्रैक्ट तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने इसको बोल्ड करके रखा है ओके डन परफेक्ट क्लियर है ना चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ईडीआई बेटा ये फुल फॉर्म लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज

डन परफेक्ट चलेंगे आगे चलेंगे आगे देखिए तो ये आपका क्या हुआ ये आपका हुआ क्या ये था आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ये थे आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन तो देखो वैसे तो हमने एम्प्लायड में एक और टाइप पढ़ा था कौन सा टेसेट क्योंकि ये इसी का पार्ट है इसी का एक टाइप है कौन सा टेसेट तो पांच हो गए है ना पांच हो गए तो यस आप ई e कॉन्ट्रैक्ट की तो करते हो दिन भर अमेजॉन करते हो फ्लिपकार्ट करते हो अलग अलग वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करते हो यही सब तो होता है सही बात है ना तो देखिएगा प्लीज बहुत ध्यान से देखिए प्लीज बहुत ध्यान से तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कौन से हुए एक आपका हुआ एक्सप्रेस दूसरा हुआ आपका एम्प्लाइड थर्ड आपका हुआ एम्प्लाइड का ही टैसिर। में दो ही चीजें लिखना ठीक है फिर आपका हुआ क्वाजी।, क्वाजी क्वाजी मतलब उसके जैसा तू नहीं कोई और सही दैट इज कॉल्ड इज क्वाजी ठीक है ऑनलाइन क्लास इज ऑल्सो एक्साम्पल ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट है है ना ये भी आपका ई कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन हमने फीस नहीं ली इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया अदरवाइज हाँ अदरवाइज़ हाँ आज गणित की क्लास नहीं है आज जो आपके गणित के शिक्षक हैं है ना वो हमारी एक और फैकल्टी हैं आपको पता होगा अब <coughs> सॉरी अब्बड सर है तो अब्बड सर की शादी है तो उनके थोड़े फंक्शन में गए मतलब शादी होने वाली है तो हम भी नहीं रहेंगे है ना मैं भी नहीं रहने वाला हूँ तीन दिन है ना संडे से ट्यूसडे अपकमिंग संडे से ट्यूसडे मैं नहीं रहने वाला हूँ जो अभी संडे से ट्यूसडे आने वाला है ना है ना तब मैं भी अवेलेबल नहीं रहूँगा ट्यूसडे आफ्टरनून में जो है फंक्शन खत्म होगा अगर रात अगर जल्दी आ गए अगर जल्दी आ गए रात को तो होगा ठीक है परफेक्ट है ना अभी तो पुणे में अभी तो पुणे में अभी वो आने वाले हैं ना शादी यहाँ पर है ठीक है तो परफेक्ट क्लियर है ना चलिए सुनेगा है ना चलिए सुनेगा तो यहाँ पर हम क्या बोला था कॉजी हो गया एंड ई कॉमर्स हो गया तो पाँच हो गए आपके है ना एक्सप्रेस एम्प्लाइड उसी के अंदर टेसेड देन आपका कॉजी एंड एंड ई कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट क्लियर है समझ आया समझ आया ना डन है ना बहुत बढ़िया अब देखो नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तो ये सिर्फ मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी इसको मैं पढ़वा नहीं रहा हूँ बस इसको जो है ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ आज आप फंक्शन में क्यों नहीं गए बेटा मैं पुणे में नहीं हूँ फंक्शन पुणे में है है ना मेरा होम टाउन बालाघाट है मैं बालाघाट में हूँ कह रहा आप भी कर लीजिए क्योंकि आपको कमीशन मिल रही है है ना आपको कमीशन मिल रही है बताइए आप भी कर लीजिए बोले है ना हद दो गई है ना हमारे गले में डाल रहे हैं आप कर लो है ना आपको करना है आप कर लो हम थोड़ी रोक रहे हैं चलिए सुनेगा प्लीज़ बहुत ध्यान से अब मैं आपको ये परफॉर्मेंस वाला भी बता देता हूँ एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी उसमें यूनी एंड बायलेट्रल तो इतने देखो कितने क्यूट क्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पास है ना अपने पास जो है कितने क्यूट क्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी <coughs> उसमें भी फिर क्या यूनीटरल और बायलेटरल और उसमें भी क्या यूनि और बाय ठीक है परफेक्ट समझ आएगा चलो तो देखो एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है एग्जीक्यूटेड मतलब होता है कंप्लीटेड सिंपल वर्ड्स में सिंपल वर्ड्स में एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कंप्लीटेड है ना एग्जीक्यूटिव मतलब होता है इन प्रोसेस एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है जो हो चुका है एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है जो हो चुका है ठीक है दैट इज एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी मतलब एग्जीक्यूटरी मतलब क्यूटनेस जो है वो अभी इनप्रसेस है पूरा क्यूट बना नहीं है ना इनप्रेसेस दैट इज कॉल्ड इज एग्जीक्यूटरी अब इसमें मतलब क्या बायोलेटरल मतलब क्या होता है दो बायोलेटर मतलब होता है दो और यूनिलेटर मतलब होता है वन ठीक है तो अगर दोनों पार्टीज की तरफ से काम करना बचा है सुनिएगा अगर दोनों पार्टीज की तरफ से काम करना बचा है तो वो होता है बायोलेटरल ठीक है एंड अगर एक ही तरफ से काम बचाए तो वो होता है यूनि अगर दोनों पार्टी की तरफ से काम करना पेंडिंग है तो वो बाइलेटरल है ना बाटरल एग्जीक्यूटरी और अगर एक ही तरफ से काम पेंडिंग है तो उसको आप कहते हैं यूनि एकदम आसान है एकदम आसान है एक एग्जाम्पल देता हूँ तो इसमें सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे प्लीज बहुत ध्यान सुनना प्लीज बहुत ध्यान से सुनना है ना ध्यान सुनिएगा सपोज अब यहाँ पर कौन है है ना यहाँ पर कौन है बसावन द डेट वेन यू क्लियर भाई क्या नाम है आपका एक छोटा नाम रखो ना है ना बसावना गौड़ा बयापुर ठीक है भाई हमको आदत नहीं है बड़े नाम बोलने की है ना बसावन तो बसावन कह देता हूँ मैं तो कौन है यहाँ पर बसावन <सारे> है ना बसावन जो है है ना बसावन जो है वो ये इसका नाम पढ़ के मुझे वो मूवी की याद हो गई है ना जिसमें कौन था ना वो कार में गोवा जाते रहते हैं कौन सी मूवी थी है ना कार में गोवा जाते रहते हैं कौन सी मूवी थी नाम बोल गया यार मैं जिसमें खजाना ढूंढते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ढूंढते हैं धमाल ढोल ऐसे कुछ होती ना हाँ उसमें वो जो कार ड्राइवर जो नाम सुनाता है ना वैसे चलिए सुनिएगा है ना अय्यर अय्यर से स्टार्ट होता आई थिंक चलो तो यहाँ पर बसावन जो है बसावन को क्या करना था बसावन को ना एक स्केट बोर्ड लेना था बसावन को जो है ना स्केट बोर्ड लेना था तो ये क्या है ये स्केट बोर्ड है ओके सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से तो बसावन को जो है ना घर में काफी झाड़ू लगवाते थे उसको बहुत चलना पड़ता था तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं एक स्केट बोर्ड लूंगा है ना उसने कहा कि मैं एक स्केट बोर्ड लूंगा ठीक है हाँ मुत्तु स्वामी वेरी गुड है ना चलिए है ना प्रिया वरत इज आस्किंग सी एस टी की जुलाई की क्लास चल रही है क्या नाम क्यों नहीं पढ़ते है? मैं सच में समझ नहीं पाता हूं यहां पर रेंडमली बच्चे आते हैं है ना अलग अलग स्ट्रीम से और पूछते हैं कौन सी क्लास चल रही है मुझे समझ नहीं आता नीचे नाम दिखता नहीं है क्या मतलब क्या होता है वॉट इज द प्रॉब्लम नाम दिखता नहीं है, क्या दिखता ही होगा ना गोपाल अयर चलिए तो यहां पर क्या बोला था बसावन को एक स्केट बोर्ड लेना था प्लीज बहुत ध्यान सुनो बसावन को एक स्केट बोर्ड लेना था तो ना तो उसने एक शॉपकीपर को क्या बोला वो एक स्पोर्ट्स शॉपकीपर के पास गया दुकानदार के पास गया कब गया सपोज सात जुलाई को ठीक है सपोज सात जुलाई को गया और उसको बोला कि एक स्केट बोर्ड चाहिए तो उसने कहा कि भाई साहब अभी तो नहीं है है ना पंद्रह जुलाई को आ जाएगा उसने कहा कि अभी तो नहीं है पंद्रह जुलाई को आ जाएगा ठीक है ठीक है क्लियर है क्या तो बसावन ने कहा ठीक है बसावन ने कहा ठीक है सात जुलाई को उसने क्या कहा कि पंद्रह जुलाई को मंगवा के दे देना पंद्रह जुलाई को मंगवा के दे देना ओके अब मुझे बताइए मुझे बताइए कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्या बसावन ने बोला कि मंगवा के देना उसने बोला हाँ भाई मंगवा के दे दूंगा तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया है ना बताइए प्लीज एक्सप्लेन क्लियर टेबल ऑफ योर प्लान लॉ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर सींगे सुनिगा ना सुनेगा प्लीज बहुत ध्यान से तो यहां पर ये जो शॉपकीपर है हमने उसको बोला कि पंद्रह जुलाई को बुलवा के दे देना तो दोनों के बीच में है ना दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना बस डिफरेंस ये कि कॉन्ट्रैक्ट आज नहीं हो रहा है फ्यूचर में होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट आज नहीं हो रहा है फ्यूचर में होने वाला है मतलब दोनों पार्टीज परफॉर्म तो करेगी दोनों पार्टीज परफॉर्म तो करेगी लेकिन फ्यूचर में करेगी मतलब क्या पंद्रह जुलाई को वो स्केटबोर्ड मंगा के देगा और ये पैसे देगा तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तो है अभी कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये है एग्जीक्यूटरी ये एग्जीक्यूटरी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है है ना ये जो है कंप्लीट नहीं हुआ है ना कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर मुझे खा जाओ ये क्या होता है एग्जीक्यूटरी मतलब क्या होता है कि अभी इन प्रोसेस है अभी हुआ नहीं है तो एग्जीक्यूटरी है अच्छा दोनों पार्टी <Alex> दोनों पार्टीज की तरफ से पेंडिंग है या या एक ही से पेंडिंग है दोनों पार्टीज का पेंडिंग है या एक ही का पेंडिंग है दोनों का पेंडिंग है ना ना हमने पैसे दिए हैं और ना उसने स्केट बोर्ड दिया है ना हमने पैसे दिए हैं और ना उसने स्केट बोर्ड दिया है परफेक्ट है ना हाँ या ना ना हमने पैसे दिए हैं और ना उसने स्केट बोर्ड दिया है तो ये क्या है बायोलेटरल ये है बायोलेटरल एग्जीक्यूटरी ये क्या है आपका बायोलेटर एग्जीक्यूटरी दोनों पार्टीज का बच्चा हुआ है दोनों पार्टीज का बच्चा हुआ है ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है उसने स्केट बोर्ड मंगवा के दे दिया उसने क्या किया उसने स्केट बोर्ड जो है वो डिलीवर कर दिया कब समझो पंद्रह जुलाई को हम पंद्रह जुलाई को उसकी दुकान में गए है ना सुनिएगा सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से हम जब पंद्रह जुलाई है ना हम जो यहाँ पर क्या हुआ हम जो गए पंद्रह जुलाई में गए तो स्केट बोर्ड उसने दे दिया ठीक है तो ये क्या हो गया आपका एक पार्टी का काम खत्म हो गया ना तो सिर्फ आपका पैसा देना बाकी है आपका सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा देना बाकी है तो आपने बोला पैसा हम देंगे अठारह जुलाई को आपने कहा कि हम इसको पहले यूज़ करेंगे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो आपने कहा कि हम पेमेंट कब करेंगे अठारह जुलाई को ठीक है तो जब स्केट बोर्ड डिलीवर कर दिया गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया क्या नहीं पूरा कहाँ कंप्लीट हुआ है अभी बाकी है तो अभी जब उसने आपको डिलीवर किया तो वो क्या था वो था आपका यूनिलेटरल वो था आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी वो था आपका यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी क्योंकि अभी एक ही का काम हुआ है जब दोनों का नहीं हुआ था तो हम बायोलेट्रल एग्जीक्यूटरी बोल रहे थे जब एक का हो गया है, तो यूनिलेट्रल एग्जीक्यूटरी बोलेंगे परफेक्ट एंड जब आप अठारह जुलाई को पे कर दोगे जब आप अठारह जुलाई को पे कर दोगे तो फिर क्या जब आप 18 जुलाई को पे कर दोगे तो वो जाएगा एग्जीक्यूटेड है कि नहीं जब दोनों पार्टीज ने अपना काम निपटा दिया जब दोनों पार्टीज ने अपना काम निपटा दिया तो वो होता है एग्जीक्यूटेड वेन वन पार्टी परफॉर्मेंस इज ऑब्लीगेशन वेरी गुड इट इज कॉल्ड इज यूनिटर वेन दब्लीगेशन इज पेंडिंग बाय बोथ दी पार्टीज वैन दी परफॉर्मेंस इज पेंडिंग फ्रॉम बोथ दी पार्टीज तो वो होता है आपका क्या है ना वेन इट इज पेंडिंग फ्रॉम बोथ दी पार्टीज तो वो होता है बायटरल एग्जीक्यूटरी दोनों करने है ना दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस बाकी है तो वो होता है आपका बायोलेटरल एग्जीक्यूटरी परफेक्ट है ना प्रियल के लिए है बायोलेटरल कब होगा प्रियल मैडम पहले हो गया ना जब हमने उसको ऑर्डर दिया हमने सात तारीख को ऑर्डर दिया था कि पंद्रह तारीख को बुलवा के देना पैसे बाद में देंगे तो ना उसने स्केट बोर्ड दिया है ना हमने पैसे दिए ना उसने स्केटबोर्ड दिया है ना हमने पैसे दिए तब वो था बायोलेटरल ठीक है फिर उसने स्केटबोर्ड दे दिया तो एक ने काम कंप्लीट कर दिया तो वो हो गया यूनि ठीक है और हमने पैसे भी दे दिए तो पूरा काम हो गया तो हो गया एग्जीक्यूटेड वो गया एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड तो आप नॉर्मल है ना ये सब क्या है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है उससे भी आप याद रख सकते हो ठीक है बायलेटल एग्जीक्यूटिव मतलब लास्ट टाइम दोनों का पेंडिंग है यूनिलेटरल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या एक का पेंडिंग है और एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों का हो चुका है ठीक है परफेक्ट क्लियर है कैश ऑन डिलीवरी वेरी गुड कृतिका कह रही कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल परफेक्ट आपने अमेजोन से कुछ मंगवाया तो वो क्या होता है बायोलेटरल एग्जीक्यूटरी ना एमेजोन वाले ने सामान दिया है और ना हमने पैसे दिए जब उसने आकर डिलीवर किया तो वो यूनिलेटर हो गया आपने पैसे दे दिया तो एग्जीक्यूटेड हो गया ठीक है बाबुल कह रहे एक ही एग्जाम्पल से पूरा क्लियर बिल्कुल परफेक्ट सर आप एग्जाम्पल कहाँ से लाते हो ये तो है ना आपके सामने बैठे बैठे जो ऊपर से ऐसे है ना एंटीना रहता है वहाँ से आते हैं मैं आपके सामने जो है ये बोल देता हूँ ऐसा है डन क्लियर एक नहीं बताओ हाँ या ना ऑल परफेक्ट ऑल गुड चलिए तो ये वैसे मैंने आपको समझा दिया आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव है ना क्यूट क्यूट एग्जाम्पल्स क्यूट आपके जो कॉन्टेक्ट है या पढ़ लेना एक बार है ना रीड करके आना जरूर रीड करके आना ज़रूर फिर मैं समझाऊंगा और फिर प्रपोजल और ऑफर तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऑफर और प्रपोजल तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और काइंड ऑफ ऑफर फिर हम आगे पढ़ेंगे है ना ये सब होता है जनरल स्पेशल काउंटर क्रॉस स्टेंडिंग तो ये सब हम हौले हौले पढ़ेंगे बायोलिटल का एक ये भी हो जाएगा कि स्कूल वालों ने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया हम फीस पे नहीं कर रहे हैं यस वेरी गुड यस कोई बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है प्रियल के लिए सॉरी कोई बात नहीं है ना हमारे यहाँ सॉरी नहीं होता है हमारे यहाँ जो है ये होता है सुपर चेट होता है हमारे यहाँ सॉरी नहीं होता है दिव्यांग कह रहे हैं खत्म इतनी जल्दी अरे आपके साथ सच कह रहा हूँ वक्त का पता ही नहीं चलता है नौ बज के चार मिनट हो गया पता है आपको है ना कितना पढ़ लिया आज हमने ज़्यादा नहीं पढ़ लिया है ना सवा घंटा नहीं पढ़ लिया नहीं एक घंटा पाँच दस मिनट है ना वन आवर ट्वेल्व मिनट्स हो गए ओके परफेक्ट चलिए एक यूनिट हो जाने दो संतोष भाई एक यूनिट हो जाने दो फिर आपको हम ग्रह कार्य भी देंगे ओके चलिए तो गैज आज के लिए पर उठते हैं बहुत बहुत शुक्रिया है ना जाते जाते एक और शायरी और सुनाता हूं अच्छा आपके कोई सीनियर्स वगैरह अगर होंगे जो सी इंटर में है पहचान वाले दोस्त मित्र बंधु जो भी होंगे अगर वो सी इंटर में है तो उनको बता देना है ना जो नवंबर वगैरह में होंगे अभी तो उनका एग्जाम चल ही रहे जो नवंबर एग्जाम दे रहे हैं तो 9 जुलाई को परसों परसों जो है सीए इंटर का मैराथन है परसों जो है सीए इंटर का टैक्स का मैराथन है तो जो आपके पहचान वाला होगा ना सी एस एग्जीक्यूटिव वाला होगा सी इंटर वाला होगा सी एम इंटर वाला होगा जो भी होगा उनको आप बता देंगे ठीक है इतना आप काम करना और लाइक और कमेंट छोड़ के जाया करो यार एक दिल ही छोड़ के जाया करो है ना मुझे पता है कि आप आलसी हो हमारे लिए मैसेज नहीं लिखते हो है ना हमारे लिए आप एक मैसेज नहीं देखते हो यहाँ पर दो दो सौ लोग देखते हैं लेक्चर दो दो सौ लोग देखते हैं लेकिन है ना एक कमेंट नहीं छोड़ते हो है ना रोज़ एक दिल तो छोड़ ही सकते हो है ना उसको जब भेजना होता है तो है ना पाँच छः आठ दस बारह बीस तीस पचास सौ दिल भेज देंगे है ना अलग अलग इमोजी भेज देंगे लेकिन हमारे लिए नहीं है ना ये होती है बेवफाई ये होती है बेवफाई है ना नहीं रोहित पता करते हैं है ना यूनिक के अकाउंट में जाता होगा यूनिक के अकाउंट में जाता होगा चलो तो एक प्यारी सी शायरी सुनाता हूँ गाना कल सुना दूंगा पक्का चलिए ये भी दिल टूटी शायरी है दो ही लाइन की दिल टूटी शायरी है दो ही लाइन की है ना दिल टूटी शायरी है दो लाइन की और राइमिंग नहीं है लेकिन दिल को छू के जाएगी ऐसे दिल को चीर के जाएगी सुनेगा सुनेगा गौर फरमाइए गौर फरमाइए गौर फरमाइए एक रोज आएगा एक रोज आएगा कोई सारी फुर्सत लेकर रोज मतलब क्या दिन रोज मतलब होता है दिन एक रोज आएगा कोई सारी फुर्सत लेकर फुर्सत लेकर मतलब फ्री टाइम है ना गौरव पाएगा। एक रोज आएगा कोई सारी फुर्सत लेकर और एक रोज हम कहेंगे और एक रोज हम कहेंगे अब जरूरत नहीं और एक रोज हम कहेंगे कि अब जरूरत नहीं शुक्रिया 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 बस दो ही लाइन की थी दो ही लाइन की थी है ना बस बात आप तक बात पहुँचानी थी ठीक है चले तो गैस आज के लिए यहीं रुकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया और बेटा जितने बच्चे देख रहे हो ना उतना एक दिल ही छोड़ दिया करो यार तो समझ में आएगा हाँ भाई इतना तो कर ही सकते हो आप हमारे लिए चलिए बाय गैस थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया कल मिलेंगे कल का टाइमिंग जो है कल का टाइमिंग जो मैं आपको बता दूंगा कल का टाइमिंग जो मैं आपको बता दूंगा ओके और चांस अगर ऊपर नीचे हुआ तो क्योंकि है ना अब्बड सर की शादी में जाना है तो उनकी शादियाँ की शादी की थोड़ी तैयारियां करनी है तो वो पेंडिंग है वक्त ही नहीं मिल पा रहा है और परसों मैराथन है तो मैराथन का कृपया करके है ना अपने दोस्तों मित्रों बंधुओं को सीनियर जूनियर सबको बता देना है ना मजा आ जाएगा सैलरी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे उनको बता देना सैलरी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे है ना आपके सी ए इंटर का टैक्स है ओके परफेक्ट चलिए थैंक यू सो मच गाइज बहुत बहुत शुक्रिया मिलेंगे कल अपना ध्यान रखिए और पढ़िए बाय कमेंट छोड़ना नहीं भूलना नीचे भाई कमेंट में यहाँ नहीं चैट बॉक्स में नहीं नीचे कमेंट्स में चलिए बाय थैंक यू सो मच Thank <laughs> you.